नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि की। एयरफोर्स और नेवी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। सेकेंडो में ध्वस्त हुआ पूरा टारगेट। सुखोई 13 MKI विमान ने की खासियत हम आपको बताएंगे। दुश्मन पर जमीन, आसमान, पानी, हर जगह कैसे वार करने में है सक्षम। दूसरी बड़ी अपडेट, लश्कर का सिख सज्जाद यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित। युवाओं को करता था आतंकी संगठन में भर्ती। कई हमलों में जुड़ा है इनका नाम, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा के पहले आतंकी गतिविधियां हुई तेज। पीएम मोदी की हत्या की साजिश की जा रही है। कई आतंकवादी ताबड़तोड़ गिरफ्तार। पुलवामा में 2 जवानों की मारी गई गोली, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच भारत की विदेश नीति का कायल हुआ रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया भारत का सच्चा देशभक्त। कहा पीएम मोदी ने ऐसे ही राष्ट्र विदेश सचिव से विदेश मंत्री नहीं बना दिया। इसके साथ अगली अपडेट बताएंगे, जहां पीएम मोदी का ऐलान। गुजरात में कहा इस दशक का बड़ा ब्रांड बनेगा हील इन इंडिया। शुरू करेंगे आयुष बीजा कैटेगरी। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ चीफ के सामने क्या कुछ कहा, ऐलान किया, वो हम आपको बताएंगे। भारत ने दुनिया को चेताया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। कैसे इससे बचा जा सकता है, वो भी सुझाव दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, शहबाज सरकार बनते ही पड़ गई दरार, गठबंधन में। जी हाँ, यानी अब इनकी सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कैबिनेट से खुश नहीं सहयोगी दल, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बदलती दुनिया में कूटनीति ले रही करवट। सात समय के साथ प्रगाढ़ हो रहे भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या मायने रखते हैं, तो एक एक करके आपको बताएंगे। डब्ल्यूएचओ ने फिर पीएम मोदी की तारीफ क्यों की है और भारत आ रहे हैं कल बोरिस जॉनसन, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जहांगीरपुरी में चल रहा बुलडोजर, गृहमंत्री अमित शाह ने दिए थे तत्काल आरोपियों के घर तोड़ने की कार्रवाई। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर, वो भी कैसे देश के मुसलमान बौखलाए, वो भी बताएंगे। लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत की बड़ी उपलब्धि। एयरफोर्स और नेवी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। दागी ब्रह्मोस मिसाइल पलट गया पाकिस्तान और दुश्मन देशों का मूड। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने कल एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई फाइटर प्लेन से गिराया गया। वायुसेना ने बताया है कि ये परीक्षण भारतीय नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाया। वायुसेना ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। वायुसेना ने ट्वीट करके कहा है कि आज पूर्वी तट पर वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने सेवामुक्त जहाज पर सटीक निशाना साधा है। इतना ही नहीं, इलाके के इसके साथ साथ मंगलवार को भारतीय नेवी ने भी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नेवी ने ट्वीट करके कहा है कि एक उन्नत मॉड्यूलर लॉन्चर से AI NIS द्वारा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया और वह सफल रहा। फायरिंग ने एक बार फिर से ब्रह्मोस की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता के साथ साथ फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्मों से एकीकृत नेटवर्क केंद्रित संचालन के सत्यापन का प्रदर्शन किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पर भारत की बड़ी उपलब्धि है। एयरफोर्स और नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियत यह है कि अब दुश्मन पर जमीन, आसमान और पानी हर जगह मार करेगी। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों अभी जमीन से ही दागी जा रही थी मिसाइल, लेकिन अब इसे जो है कहीं ना कहीं फाइटर जेट से भी गिराया जा सकता है, यानी सुखोई फाइटर प्लेन से इसे नीचे फेंका गया, जिसके बाद ये दागी गई और दागने के बाद अपने जो टारगेट थे उसे तबाह कर दिया गया। यानी फाइटर जेटों में भर कर भी मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसका सफल परीक्षण कल हो गया है, यानी दुश्मनों की खैर नहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट, लश्कर के शेख सज्जाद यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित। युवाओं को करता था आतंकवादी संगठनों में भर्ती। कई हमलों में जुड़ा है इसका नाम। दरअसल केंद्र सरकार ने लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन में कमांडरों में शामिल शेख सज्जाद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने कहा है कि सज्जाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को लश्कर ए तैयबा में शामिल करने से जुड़े कृत्यों में शामिल रहा है और उन्हें प्रेरित किया करता था ताकि वे आतंकी संगठन का समर्थन करें और उनके उसमें भर्ती भी हो जाए। सज्जाद जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोपी भी है। शेख साल 2018 को श्रीनगर में अपने
दो निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या में शामिल रहा है और इसने इस घटना को लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद उर्फ गुल सज्जाद अहमद शेख की उम्र 48 साल है और ये लश्कर कमांडरों के सहयोगी सदस्यों में से एक है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत की विदेश नीति का कायल हुआ रशिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया भारत का सच्चा देश। कहा पीएम मोदी ने ऐसे ही विदेश सचिव से विदेश मंत्री नहीं बना दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री की जमकर तारीफ की। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना अपनी विदेश नीति खुद तय करने के फैसले को लेकर सर्गेई ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना करते हुए कहा है कि एस जयशंकर भारत के असली देशभक्त हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर दुनिया भर से पड़ रहे दबाव के बावजूद भारत अपने फैसले पर अड़िग है और अपने अनुसार ही विदेश नीति बना रहा है और ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा है कि हम अपने देश के लिए फैसले इस आधार पर ले रहे हैं भारत अपने विकास और सुरक्षा को लेकर क्या मानकर चल रहा है। बहुत ज़्यादा देश में इतने मुखर तौर पर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं होती है। वैसे पीएम मोदी भारत के विदेश सचिव को एक विदेश सचिव को ऐसे ही विदेश मंत्री नहीं बना देता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंकी गतिविधियां हुई अलर्ट। पुलवामा में दो आरपीएफ जवानों को मारी गई गोली, एक की मौत। इसके साथ पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं आतंकी। दरअसल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के पहले आतंकवादियों ने एक बार फिर गतिविधियाँ तेज कर दी। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने दो जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। काराकोरम में एक चाय की दुकान के पास हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और उनके उप निरीक्षक देवराज की गोली मार दी गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई थी। कल भी एक बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने की कोशिश की गई, हालांकि वो नाकाम रहा। इसके साथ ही लगातार हमले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले बढ़ना, ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और पीएम मोदी की भी हत्या की साजिश जो है आतंकी रच रहे हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और प्रधानमंत्री मोदी जिन इलाकों में जाने वाले हैं वहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। इस दशक का बड़ा ब्रांड बन सकता है हील इन इंडिया। शुरू करेंगे आयुष वीजा कैटेगरी, पीएम मोदी का नया ऐलान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन है। पीएम मोदी ने बुधवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर EWHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत एक स्पेशल आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट पर ये मार्क लगाया जाएगा और ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। इससे विश्व भर के लोगों की क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट का भरोसा मिलेगा। इसके अलावा पीएम ने कोरोना काल को याद किया है और उन्होंने कहा है कि हम सभी देख रहे हैं कि उस दौरान किस तरीके के आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुष काढ़ा और ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत ने दुनिया को चेताया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। दरअसल फिटनेक क्रांति के बीच क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया को अलर्ट कर दिया। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही हैं। पहले आपको बता दें कि फिनटेक यानी इसका अर्थ होता है वित्तीय कार्य टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करना, जहां कंपनी के ये काम करता है उसे फिनटेक कंपनी कहा जाता है। इस वसंत मीटिंग के दौरान आयोजित एक संगोष्ठी में अपनी बात रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे लगता है कि बोर्ड के सभी देशों के एक पहल पर सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग है, क्रिप्टो करेंसी का आतंकवाद के वित्त पोषण में इस्तेमाल होना, और क्रिप्टो करेंसी का अगर टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होगा तो यह खतरनाक है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जंग की बदल जाएगी तस्वीर। युद्ध के दौरान मैदान में पहुंचेंगे हजारों तोपखाने और आधुनिक हथियार। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा अमेरिका। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग क्यू को इस हफ्ते नया सैन्य सहायता पैकेज प्रदान करने वाला है। जल्द ही अमेरिका इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकता है। रशिया की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को अमेरिकी मीडिया हाउस के हवाले से इस बात की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रशासन के अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा है कि नए
सैन्य पैकेज आकार में यूक्रेन को हाल ही में दिए गए 800 मिलियन डॉलर के समान ही होगा। इसमें हजारों तोपखाने और अन्य आधुनिक हथियार शामिल होंगे। इससे पहले जो बाइडन ने कहा है कि उनकी सरकार यूक्रेन को भारी तोपखाने सहित 800 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देगी। अमेरिका को उम्मीद है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक फ़ोन कॉल के बाद बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी रक्षा करने की सहायता देना जारी रखेगा। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन को भेजी जाने वाली नई सैन्य सहायता में कई तरीके के हथियार होंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भले ही कैबिनेट हुआ विस्तार, लेकिन पड़ गई नई सरकार में दरार। दरअसल शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नए पीएम तो भले ही बन गए हैं। 19 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया गया, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद गठबंधन के सहयोगी में कड़वाहट बढ़ गई है। कुछ सहयोगी ने अपने सदस्यों के चयन के मामले में कैबिनेट को सर्वश्रेष्ठ संभव बताया है। हालांकि गठबंधन के दो सबसे बड़े दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP कैबिनेट में अपने सदस्यों के चयन और मंत्रिमंडल के बंटवारों को लेकर असमंजस में हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा है कि PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ और गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद संघीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और उन्होंने आगे कहा है कि मुझे उम्मीद है कि संघीय मंत्री राज्य मंत्री और सलाहकार नेतृत्व प्रदान करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बताती है कि कैबिनेट सदस्यों के चयन और उनके बीच विभागों के बंटवारे को लेकर PMLN सहित कई और गठबंधन के सहयोगियों और भीतर मतभेद लगातार बना हुआ है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां आयुष ग्लोबल समिट में WHO के डॉक्टर टेड्रोस ने बोली गुजराती, पीएम मोदी ने रखा इनका नाम तुलसी भाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। वैश्विक आयुष निवेशक और नवाचार शिखर सम्मेलन में गुजराती में बोलते हुए WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि मैं महात्मा गांधी की भूमिका पर आकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। और उन्होंने एक तरीके से कैंपछो में शुरुआत की, गुजरातियों की भाषा गुजराती बोला, तो पीएम मोदी ने इनका नाम तुलसी भाई कहकर बुलाया, यानी इनको तुलसी भाई कहकर बुलाया। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है अगली, जहां बोरिस जॉनसन आ रहे हैं कल भारत, किसान आंदोलन में खालिस्तान की भूमिका पर भी मोदी करेंगे सीधी बात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को कैबिनेट की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हैं वो चीन और पाकिस्तान को लेकर सीधी बात करने वाले हैं। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खोलने के लिए तैयार है। आपको बता दें, जॉनसन गुजरात में गुरुवार को एक कारखाने का उद्घाटन करेंगे और फिर शुक्रवार को दिल्ली में अधिकारियों के आधिकारिक बैठक करेंगे। मई से यात्रा के दौरान भारत को उम्मीद है कि ब्रिटेन, पाकिस्तान और चाइना पर अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा, एक ऐसा रुख अपनाएगा जो सच्चे लोकतंत्र के लिए उपयुक्त हो। भारतीय अधिकारी पाकिस्तान की सेना के साथ ब्रिटेन के लंबे समय से जुड़े होने और आतंकवाद पर भारत द्वारा जारी संदेश पर साथ देने में असमर्थता से निराश हैं, और भारत पिछले कुछ वर्षों में रावलपिंडी GSQ को अफगानिस्तान में शामिल करेंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, यूक्रेन खिलाफ युद्ध के बाद रूस पर नया बैन लगा, बैन मगर चीन की हुई चांदी। दरअसल चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य उपकरण निर्यातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से बड़ी संख्या में देशों में हथियारों की खरीद पर रोक लगा दी गई। इस वजह से अब चाइना हथियारों का नया बाजार बनकर उभर रहा है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हर साल हथियारों के निर्यात के आंकड़े जारी करता है। मार्च में जारी अपने सबसे हालिया रिपोर्ट्स में सिप्री ने बताया कि 2017-21 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हथियार निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 4.6% रही। 2017-21 की अवधि के दौरान चौथे स्थान पर रहा। चीन केवल अमेरिका, रूस और फ्रांस से पीछे है, वहीं चाइना, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे मुल्कों से आगे रहा है। तो दोस्तों, चाइना को एक तरीके से आपदा में अवसर मिल गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट। अमेरिका में धूमधाम से मनेगा भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। न्यूयॉर्क में होगा India@75 कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में भारत का वाणिज्यिक दूतावास न्यूयॉर्क के सांस्कृतिक संगठन बच्चों के एक संग्रहालय के सहयोग के एक सप्ताह लंबे इंडिया एक्ट 75 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इनमें
भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक चित्रकला, संगीत और कथावाचक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। द कल्चरल ट्री ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है और उन्हें बताया है कि न्यूयॉर्क में भारत के महा वाणिज्यिक दूतावास द कल्चर ट्री और चिल्ड्रन म्यूजियम और मैनहट्टन ने सोमवार को विशेष कार्यक्रम करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीलंका में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोली, एक की मौत, 10 लोग जख्मी। श्रीलंका में हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं। श्रीलंकाई पुलिस ने मंगलवार को राममुक्काना में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालात बेहद ख़राब होते देख वहां सिचुएशन बेहद ख़राब हो गई, गोली चलाने की नौबत आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन जारी, फिर से SC पहुँचे आशाकर्ता। दरअसल बुलडोजर पहुँच चुका है, यानी बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर और अब शाह का बुलडोजर जो है अतिक्रमण तोड़ रहा है। बड़ी खबर निकल के आई है, मस्जिद तक पहुंचा बुलडोजर। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बावजूद बुलडोजर गिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले जामा मस्जिद तक बुलडोजर पहुंच गया। मस्जिद के गेट और चबूतरे को तोड़ दिया गया। यहां पे एक मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर तैनात है और मौजूदा अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी चल रही है। जहांगीरपुरी में लोगों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। बता दें कि इसी जामा मस्जिद के पास हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। मस्जिद के बाहर एक मोबाइल की दुकान को तोड़कर हटाया गया। इसके अलावा मस्जिद से बाहर बनाए गए एक चबूतरे को, गेट को तोड़ दिया गया। यानी आपको बता दें, जहांगीरपुरी में सड़कों पर 9 बुलडोजर उतरे और लगभग 500 के करीब अतिरिक्त सेना के जवान उतरे और जहाँ जहाँ अवैध बुलडोजर दिखी, MCD ने बाकायदा कार्रवाई की और उन जगहों पर बुलडोजर चला और सफाई अभियान चला। हालांकि आपको बता दें, बाद में विपक्षी पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट भागे सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं रुका। पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ सफाई अभियान जारी रखा और उन तमाम जगहों को साफ कर दिया जिन जगहों के हिट लिस्ट जो है वो तैयार की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी और तमाम जगहों पर जो है वो सफाई अभियान शुरू किया गया। मस्जिद के गेट को भी तोड़ दिया गया था। जहांगीरपुरी इलाके में लगातार अतिक्रमण चल रहे थे और इसी के बाद दोस्तों आपको बता दें, हालात ख़राब हो गए। लोग प्रदर्शन करने लगे, महिलाएं प्रदर्शन करने लगी और फिर से सुप्रीम कोर्ट भागे। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर बुलडोजर की कार्रवाई रुकी है। हालांकि चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरीके से राम भक्तों पर पथराव किया गया या इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई तो बुलडोजर दोबारा फिर से वापस आएगा। यानी बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन तमाम कोने कोने प्रदेशों में चलेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जहां नोएडा धार्मिक स्थलों में लगे स्पीकर, लाउड स्पीकर की आवाज़ ना आ जाए कैंपस के बाहर, पुलिस ने भेजा नोटिस। दरअसल देश भर में मंदिरों हो या मस्जिदों हो, तमाम धार्मिक गुरुओं को पुलिस प्रशासन जो है नोटिस थमा रही है। नोटिस ये है कि लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है वो लाउडस्पीकर की आवाज़ मंदिर परिसर के बाहर या मस्जिद परिसर के बाहर ना जाए। यानी लाउडस्पीकर से जो अजान चिल्लाकर होती है उसको, उस लाउडस्पीकर को कम किया जाए और इतना हो कि कम से कम बाहर जो है वो ना जाए, यानी उनकी आवाज़ बाहर किसी भी तरीके से ना जाए। ये धर्म गुरुओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने धर्म गुरुओं को लाउडस्पीकर दे करके ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम सपा से दे रहे हैं इस्तीफा, अखिलेश की बढ़ गई है मुश्किलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर तेजी से मुखर हो रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर के वरिष्ठ सपा नेता सिकंदर अली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिकंदर अली ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव की चुप्पी ने उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और इसके बाद यह एक्शन लिया गया। यानी अखिलेश यादव मुस्लिमों के निशाने पे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, यूपी में गैर कैमरे के सामने हाजिरी होगी, नए आदेश से अधिकारी कर्मचारियों में मची खलबली। जी हाँ, दरअसल प्रयागराज शहर की सफाई व्यवस्था सुबह 5 बजे शुरू होगी और अब नगर निगम के अफसर और सफाई निरीक्षक को सुबह 5 बजे ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश
जारी हो गया। हाजिरी भी सीधे शासन को भेजी जा रही है। हाजिरी की नई व्यवस्था से अफसर और निरीक्षक में खलबली मच गई है। ऑनलाइन हाजिरी की नई व्यवस्था 10 अप्रैल से लागू की गई है। इसके बारे में अफसर सफाई निरीक्षक बेखबर रहे हैं। 2 दिन पहले शासन से हाजिरी के लिए एक संदेश आया था। संदेश में साफ लिखा गया है कि सुबह हाजिरी लगाए नहीं तो वेतन कटेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। इस फरमान के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय अधिकारी और निरीक्षक ने हाजिरी लगानी शुरू कर दी, बाकी मदद मांग रहे हैं। तो ये एक तरीके से योगी बाबा की ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और राम राज्य कैसे आएगा, अधिकारी कर्मचारी एकदम राइट टाइम कैसे हो जाएंगे, इसकी भी तैयारी पूरी चल रही है। तो फिलहाल